आज की खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव गंभीर। आप हमको किसी ऐप पर देख रहे हो तो फॉलो कीजिएगा, हाँ यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारी खबरों के नोटिस आपके मोबाइल में पहले पहुंचे। पेश है हमारी आज की खास रिपोर्ट। अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने आए दिन ब्राह्मणों की हत्याओं के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। अध्यक्ष गजेंद्र पांडे और महामंत्री महेश चंद पांडे के नेतृत्व में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया गया, जिसमें वर्ष 2017 से वर्ष लगातार हुई ब्राह्मणों की करीब 170 हत्याओं का जिक्र किया गया है। इन नेताओं ने नारेबाजी भी की और जिलाधिकारी के प्रतिनिधि को ज्ञापन दिया। सुनिए क्या बोले हैं ब्राह्मण नेता। मैं त्रिभुवन शर्मा अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा उत्तर प्रदेश के आह्वान पर आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ब्राह्मण हत्याओं के विरोध में ज्ञापन दिया जा रहा है और योगी सरकार से मांग की जा रही है कि ब्राह्मणों की हत्याएं बंद करवाएं, ब्राह्मणों को पूरी सुरक्षा दें। अगर ब्राह्मणों की हत्याएं जारी रहीं तो ब्राह्मण सभा बड़े स्तर पर आंदोलन करेगी और हर जिले में धरने प्रदर्शन होंगे। आज इसी बात को लेकर पूरे प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पर ज्ञापन दिया गया है। मुजफ्फरनगर में ज्ञापन हो गया, फर्रुखाबाद में हो गया, मुरादाबाद में हो रहा है, पूरे जिले में ज्ञापन दिए जा रहे हैं सब जगह।